हेलो दोस्तों, मैं मीशो होशियार आज आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जो आपके चैनल को ग्रो करने में बहुत ही ज्यादा मदद करने वाला है। इसलिए आप लोग इसे स्किप मत करना, इसे आप लास्ट तक जरूर देखना। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैं वीडियोस को फाइंड करती हूँ, कैसे वॉइस ओवर करती हूँ और किस ऐप से वीडियो को एडिट करती हूँ, वीडियो का रेशियो क्या है और मैं कैसे अपलोड करती हूँ और क्या टैग्स लगाती हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आपने YouTube में क्राफ्ट वीडियोस करके सर्च कर लेना है और आपके सामने बहुत सारे क्राफ्ट वीडियोस आ जाएंगे। आपको किसी भी एक लॉन्ग वीडियो जो आपको अच्छी लग रही हो उसे किसी भी ऐप के थ्रू या स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू डाउनलोड कर लेना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी आप लोग किसी शॉर्ट वीडियो को, किसी भी चैनल की शॉर्ट वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल में वॉइस ओवर करके नहीं डालना है, क्योंकि ये आपका कंटेंट नहीं होगा। अगर आप लॉन्ग वीडियो को बीच में ट्रिम करके आप लोग किसी भी ऐप से एडिट करके अपनी वॉइस ओवर करके उसमें इफेक्ट डाल के अगर उसे अपलोड करते हैं तो वो आपका कंटेंट माना जाता है, जिसमें कॉपीराइट आने का खतरा कम रहता है। और सेकेंड चीज, मैं किस ऐप से वीडियो को एडिट करती हूँ, तो आप लोगों के बहुत से क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं इनशॉट ऐप से अपनी वीडियोस को एडिट करती हूँ और मैं अपनी वीडियोस 1:1 में एडिट करती हूँ। और जो मैं आपको 1:1 फ्रेम के बारे में बात कर रही थी, तो आप लोगों को क्रॉप ऑप्शन में जाकर 1:1 क्रॉप ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और आपका एक क्वेश्चन ये भी था कि आप जो साउंड इफेक्ट हैं वो कहाँ से लेके आती हैं, तो वो भी इनशॉट में मुझे मिल जाता है, क्योंकि जो म्यूजिक के बगल में इफेक्ट का ऑप्शन है आप लोग उसमें क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएंगे जिसे आप वीडियोस में यूज कर सकते हैं। और जो मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक है उसका नाम है स्नैक ऑन द बीच, जो आपको यूट्यूब में आसानी से मिल जाएगा। आप लोगों का एक और क्वेश्चन था कि आप अपनी वीडियो की स्पीड कैसे बढ़ाती हैं, तो आपको सबसे पहले वीडियो को एडिट करके डाउनलोड कर लेना है और दोबारा इनशॉट में जाकर उसकी स्पीड बढ़ा लेनी है। आप लोगों का एक क्वेश्चन और था कि जिस ऐप से मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ उस ऐप का नाम क्या है, तो उस ऐप का नाम वॉइस रिकॉर्डर है, जो आपको प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपनी वीडियो कैसे अपलोड करती हूँ। तो आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कभी भी वीडियो डायरेक्ट पब्लिक नहीं करनी है। पहले आपने वीडियो को अनलिस्टेड में अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद आपको उसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सारे टैग्स, लोकेशन, जो भी आप लोग इंक्लूड करना चाहते हैं उसे इंक्लूड कर लेना है। उसके बाद ही आपको पब्लिक करनी है। और आप लोगों का एक क्वेश्चन और था कि वीडियो अपलोड करने का सही टाइम क्या है, तो मैं अपनी वीडियोस दिन और शाम इन दोनों में से किसी भी टाइम में वीडियो अपलोड कर लेती हूँ। तो आज की वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम नहीं दे पाए हैं तो अपने क्वेश्चन को कॉमेंट कर दीजिए और इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। धन्यवाद।